बिजनौर में एक बार फिर से शिक्षक का कहर देखने को मिला। बता दें, यहां मामूली बात पर शिक्षक ने छात्र की जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई में बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र की रहने वाली सीमा कुमार ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उसका 14 वर्ष का बेटा आशीष कक्षा 9वीं का छात्र है, जो कि झालू के हृदय ननन इंटर कॉलेज में पढ़ता है, जिसको स्कूल के ही शिक्षक चंद्रशेखर ने बलून फोड़ने के बाद जमकर फटकार लगाई और उसके बाद उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके कारण बच्चे का हाथ टूट गया है। जब इसकी शिकायत करने छात्र की मां स्कूल पहुंची तो शिक्षक ने छात्र की मां से अभद्रता की और स्कूल से भगा दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कार्यवाही की बात कही है। आप कौन से गांव रहती हैं? खारी। ये आपके बच्चे के साथ क्या बात हुई? जी, सर जी ने मारा, ऐसा हाथ पकड़ता, एक बच्चे का हाथ पकड़वाया और खुद का ना मारा है, डंडी बजाएगा हम गए कहना तो नु कह दिया अनु तुम्हारे बच्चे को और कहीं चोट लगी हमारे बच्चे का, और उन्होंने भी टूट मसला दूसरे जहाँ दुकान पर। अच्छा, जब आप शिकायत लगे तो आपको क्या कहा मास्टर ने? तो मास्टर सर बोल रहे नु कह रहे ना हमने नहीं मारा, हमने नहीं। अच्छा, और फिर क्या कहा जवाब दिया? फिर क्या कहा, बस नु कह रहे हम टी सी काट के देते। ये मास्टर ने फोन लगे। कौन से दिन का मामला है? तो आपने बैलून किसका फोड़ दिया था? वो दूसरे बच्चे ने फोड़ा। दूसरे बच्चे ने फोड़ा था, तो उस दिन आपकी ही पिटाई करी थी और किसी बच्चे को मार लगाई थी? लड़कों को मारा था। अच्छा, तो आपका हाथ किस चीज से टूटा है मारने से? एक लड़के ने पकड़ रखा था, एक मास्टर ने जो डंडी मारी थी बच्चे को।